हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और ये है पत्थर चट्टा का प्लांट। आज मैं इसी पर वीडियो बनाऊंगी। इसको बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग भी यहाँ पे लगाई है। मिट्टी में इसके पत्ते को इस तरह से आप रख देंगे तो साइड से ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे से पौधे इससे आ जाएंगे। और इसको फुल सनलाइट दीजिए आप लोग। फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। इसको आप अगर गर्मियों में भी 3-4 दिन पानी नहीं देंगे तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। और सर्दियों में भी पानी अगर आप 1 हफ्ते भी नहीं देंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसकी ये जो पत्तियां होती है ना, तो इन पत्तियों में इसमें काफी जल सा रहता है पानी का, ये देखिए, इसलिए इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। मेरे घर में किसी को पथरी हो गई थी तो उन्होंने यही पत्थर चटा के पत्ते खाए और उनकी पथरी निकल गई। किडनी में थी, किडनी की पथरी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसको 1 महीने खाना पड़ता है। इन पत्तियों को दो, अगर बड़ी पत्तियां हैं तो आप इनको 2 पत्तियां डेली खाएं सुबह खाली पेट, और अगर थोड़ी सी छोटी हैं तो आप इसको 3 ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इस फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें साल में 1 बार या 2 बार आप दे सकते हैं फर्टिलाइजर। एक बार देंगे तो भी ये चल जाएगा। और मिट्टी जो होगी इसकी वही होगी, आप उसको वेलड्रेन मिट्टी दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।